दोस्तों, दुनिया में कई राज और रहस्य छुपे हुए हैं जिनके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कई सारी रहस्यमय घटनाएं हम हर रोज देखते या फिर सुनते हैं। ये घटनाएं अजीब होने के साथ साथ बहुत ही रहस्यमय भी होती है, क्योंकि इन घटनाओं के पीछे का कारण किसी को भी नहीं पता होता। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अजीब और रहस्यमय घटनाएं दिखाएंगे जिन्हें अगर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया होता तो शायद कोई इन पर यकीन नहीं करता, और साथ ही इन घटनाओं के पीछे का असल कारण किसी को पता भी नहीं चलता। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और शायद ही ऐसी वीडियो आपने पहले कभी देखी होगी, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। अभी आप जो नजारा देख रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया का है, जहां बादलों का एक रोल फॉर्म हुआ आप देख सकते हैं। इस तरह के फॉर्मेशंस ऑस्ट्रेलिया में कई सालों से देखे जा रहे हैं, लेकिन इन्हें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स पायलट ने 1942 में देखा था। ये जमीन से 100 या 200 मीटर के ऊपर होते हैं और 15 से 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते है। दिखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन इसके पीछे की वजह वेदर फोरकास्ट वाले ये बताते है कि जब नए क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और पीछे के क्लाउड एटमॉस्फेयर में घुलने लगते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है। और उनका कहना है कि यहाँ के क्लाइमेट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से ऐसा हो पाता है। भूत प्रेत आत्मा में कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते, यह सबके अपनी अपनी सोच और धारणा पर निर्भर करता है। आपने भी कभी ना कभी इस बारे में जरूर सोचा होगा, या फिर कभी ना कभी किसी जगह आपको ऐसा लगा होगा कि यहाँ कोई है, कोई भूत या कोई आत्मा। पुर्तगाल में रहने वाले एक कपल को अपने घर में कई दिनों से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने इस बात का पता लगाना चाहा। ये आवाज अक्सर उनके स्टोर शेल्फ से आती थी, इसलिए ये लोग वहां चेक करते हैं कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये आदमी जब ऊपर चढ़ के देखता है तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है तो वैसे ही ऊपर कोई भयानक से चेहरा कैमरे में दिखाई देता है जो उसके पीछे से आता है, जिसे वो आदमी उस वक्त नहीं देखता। लेकिन असल में वो क्या चीज थी, कोई इंसान, कोई भूत या फिर कुछ और, ये बताना मुश्किल है। अगर वो कपल ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते तो उन्हें शायद ऐसा कुछ देखने मिलता ही नहीं, या फिर उन्हें इस बारे में पता भी नहीं चलता। हो सकता है कि उस घर में कोई प्रेत आत्मा हो या उस पर कोई शाप हो। इस वीडियो को बाद में देखने के बाद उस कपल ने वो घर छोड़ दिया और एक दूसरी जगह पर जाकर रहने लग गए। वाटरफॉल वाकई में एक देखने जैसी चीज है, और आपने पहले भी काफी वाटरफॉल्स देखे होंगे, लेकिन शायद ही वहां आपने ऐसा कुछ देखा होगा। न्यूयॉर्क में स्थित इस वाटरफॉल के नीचे कई सालों से ये आग जल रही है। देखने में ये अजीब जरूर है, लेकिन साथ ही इसका साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ये आग कई साल पहले एक आदमी ने जलाई थी, जिसके बाद से ये आज तक जल ही रही है। इसके जलते रहने की वजह यह है कि उसी जगह पर उस आग को फ्लेमेबल गैस मिल रही है, जो कि जमीन के नीचे पत्थरों में से आ रही है। यही गैस उस आग को जलाने में मदद करती है। ये 8 इंच ऊंची फ्लेम आज भी इस वाटरफॉल के नीचे जल रही है, जो देखने में अजीब और नामुमकिन लगता है, लेकिन बिल्कुल सच और असली है। क्लाउड्स फॉर्मेशन और सर्कुलर क्लाउड्स के बारे में आप जानते होंगे। इनके बारे में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। उस वीडियो में हमने काफी अच्छी अच्छी चीजें बताई थी, जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सर्कुलर क्लाउड्स ऊंचाई पर घटते बढ़ते तापमान और हवा की वजह से फॉर्म होते हैं, लेकिन अभी आप जो बादल देख रहे हैं वो उनसे काफी अलग है। इस वीडियो में बादल से एक हाथ बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो किसी नॉर्मल क्लाउड फॉर्मेशन से बहुत ही अलग है। इसके ऐसे बनने का कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लाउड्स में रैंडम शेप्स बनना एक आम बात है, मगर ये उनमें सबसे अलग है। उनका ये भी कहना है कि ये क्लाउड सीडिंग का कोई प्रोसेस या फिर साइड इफेक्ट हो सकता है। वहां के लोग इसे हैंड ऑफ जीसस यानी भगवान का हाथ भी मानते हैं।
ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज को अपने तरफ खींचती है, और फिर चाहे वो कोई हवा में उछला हुआ बॉल हो या पेड़ से गिरता हुआ फल हो। लेकिन अभी आप जो बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं वो ग्रेविटी के सारे नियमों के विपरीत है। फिनलैंड में एक जंगल में मौजूद यह बड़ा सा पत्थर एक दूसरे पत्थर पर बिना किसी सपोर्ट के खड़ा है, जबकि इतनी छोटी जगह पर इतने बड़े पत्थर का बैलेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल या फिर कहो नामुमकिन है। ये एक छोटा सा पत्थर भी अगर हम किसी टेढ़ी जगह पर रखते हैं तो वो लुढ़क कर नीचे गिर जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा पत्थर बिना किसी सहारे के ऐसी जगह पर खड़ा है जहां शायद इंसान भी सही से खड़ा नहीं रह सकता। ये बड़ा सा पत्थर फिजिक्स के हर लॉ को फेल करता हुआ खड़ा है, और इसके पीछे की वजह अभी तक अच्छे से किसी को नहीं पता है। बारिश होते हुए आपने कई बार देखी होगी, जो कि बहुत आम बात है, लेकिन शायद ही आपने कभी खूनी बारिश या फिर ब्लड रेन के बारे में सुना होगा, जिसमें आसमान से लाल रंग का पानी बरसता है, और ये दुनिया में सिर्फ कुछ ही जगहों पर देखी जाती है। केरला में इस बारिश को काफ़ी बार रिपोर्ट किया गया है। सबसे पहले यह ब्लड रेन 1896 में पाई गई थी, जिसके बाद इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। साइंटिस्ट का कहना है कि यह हवा में मौजूद अलगी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होने की वजह से पानी लाल रंग का हो जाता है, लेकिन लोग आज भी इस बारिश को बहुत बुरा समझते हैं। यह ब्लड रेन 2012 में केरला में आखिरी बार रिपोर्ट की गई थी, और श्रीलंका में भी कई बार बरस चुकी है। साइंटिफिक रीजंस मिलने की वजह से लोग अब उसे उतना बुरा नहीं समझते, और अब ऐसे टाइम में बारिश को देखने के लिए लोग घरों से बाहर भी आते हैं। लेकिन आज भी एक रहस्यमय बात साइंटिस्ट को सताती है कि जो अलगी ब्लड रेन में मौजूद थी वो धरती की है ही नहीं। ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये स्पेस में एक होल है जिसके अंदर जो भी चीज़ जाती है वो वापस नहीं आती। लेकिन क्या आपने द ग्रेट ब्लू होल के बारे में सुना है? अमेरिका के समंदर में एक जगह पर समंदर के बीच में ही ये ब्लू होल है, जिसे कई साल पहले एक डाइवर ने खोज निकाला था। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह बाकी के समंदर से बहुत ही ज़्यादा गहरा है, लेकिन असल में इसकी गहराई कितनी है ये आज भी किसी को नहीं पता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ब्लू होल 15,000 साल पुराना है, और तब पानी के कम ज्यादा होने और दबाव के कारण यह होल फॉर्म हुआ हो सकता है। कई डाइवर्स यहां डाइविंग करने आते हैं, लेकिन आज तक कोई इसकी तह तक नहीं पहुंच पाया है। गाइस, आज के दौर में विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है, और इस दुनिया को बेहतर और बाहर से जानने के लिए आजकल स्पेस और एलियंस पर भी रिसर्च की जा रही है। कई सालों से साइंटिस्ट का दावा है कि एलियंस असल में होते हैं, और चूंकि ऐसी कोई पक्की खबर लोगों के सामने नहीं आई है, इसीलिए कुछ लोग इस बात को आज भी नहीं मानते। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि हमें एलियंस के होने के साइंस देखने मिले हैं। अभी आप जो जीव देख रहे हैं वो 2011 में पाया गया था। ये कीड़े जैसा दिखने वाला जीव एक कीड़े से काफ़ी बड़ा और सांप के जैसा बड़ा है। एनिमल रिसर्चर्स ने उस समय ये स्टेटमेंट दिया था कि ये कीड़ों के किसी भी प्रजाति का जीव नहीं है। इसके सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं वो उसका मुंह है, जो आसानी से एक इंसान के हाथ को निगल सकता है, लेकिन इस जीव की पहचान आज भी एक रहस्य है। एक और वीडियो में समंदर की तह में पाए गए ये अजीब से दिखने वाली चीज़ डाइवर्स ने कभी नहीं देखी थी। यह दिखने में एक अलगी या फंगस की तरह है। वही कुछ एक्सपर्ट्स इसे एलियन लाइफ का ओरिजिन भी कहते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि ये एलियंस के अंडों की तरह या फिर कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जो पानी में रहने वाले एलियन जीव के हो सकते हैं, क्योंकि समंदर का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहां तक इंसान आज भी नहीं पहुंच सका। लेकिन क्योंकि आज तक पानी में रहने वाले एलियंस की बात सामने नहीं आई है, इसलिए इस बात को मानना मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इससे पहले पानी में ऐसी कोई अजीब चीज़ भी नहीं मिली है, और हो सकता है कि ये इस सब की शुरुआत हो। अगली वीडियो में जो जीव आप देखने वाले हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पानी में भी एलियंस जीव मौजूद हो। ये बड़ा सा जीव जो कुछ सालों पहले गहरे समुद्र में देखा गया था, तब इसे एक स्क्विड समझकर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि एक स्क्विड इतनी बड़ी कभी नहीं हो सकती। एक स्क्विड आमतौर पर 4 से 6 फीट तक ही बढ़ सकती है, जिससे इस जीव की पहचान एक रहस्य बनकर रह गई है। दोस्तों, अब इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे कुछ लोगों को पेड़ों के पास ये अजीब सा जीव मिला जो दिखने में किसी एलियन के तरह दिखाई दे रहा है, और वीडियो में हमें उस जीव की आवाज़ें भी सुनाई दे रही है। इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को एलियन का वीडियो समझने लगे थे, लेकिन आपको बता दें कि वीडियो में दिखाई दे रहा जीव बिल्कुल नकली है, और ऐसा लगता है कि ये वीडियो जानबूझकर बनाया गया है।
he's like a, I think he's gonna like turn into a butterfly because he looks. So guys, आज की इस वीडियो में आपको कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा रहस्यमयी और अनोखी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें।